क्या कभी आपने एयरपोर्ट के लगेज बेल्ट से गलती से किसी और का लगेज उठाया है, या फिर वो लगेज बेल्ट पे घूमता रहा और आपको यकीन ही नहीं कि वो आप ही का है? इन्हीं डर से लोग अपने बैग्स पर लाल धागा, पिंक रिबन, येलो मौलिया या फिर एक पेपर में बड़ा सा नाम अपने पोस्टर का लगा देते हैं, क्योंकि शख्स सभी बैग एक ही दिखते हैं। आपकी खूबसूरत सी लगेज को इन बदसूरत जुगारू टैग से छुटकारा दिलवाने के लिए हमने शुरू किया नेशर माइल्स। नमस्ते शख्स, मेरा नाम है लोकेश। मैं हूँ श्रुति। और मैं हूँ अभिषेक, और हम हैं को-फाउंडर्स नेशर माइल्स के, और हम आए हैं आज आपके पास मुंबई से। नेशर माइल्स एक न्यू एज लगेज ब्रांड है जो स्टाइल, वैरायटी और फैशन का वादा करता है। हम आज आपके पास लाए हैं 100 से भी ज्यादा शेड्स, इतने कलर्स और ऐसे कलर जो शायद आपने देखे और सुने शायद ही होंगे। और यही नहीं, हमारे जो स्टाइल्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, आपको आपका बैग दूर से ही नजर आ जाएगा। हमारा हर कलेक्शन आपके किसी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन से इंस्पायर्ड है, जैसे पेरिस के सॉफ्ट रोमांटिक शेड्स, इस्तांबुल जो हमारा फ्लैगशिप कलेक्शन है। और शार्क्स, हमारे बैग सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं, अफोर्डेबल और ड्यूरेबल भी है। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास हार्ड साइड बैग्स, सॉफ्ट साइड बैग्स, बैकपैक्स और रिलेटेड ट्रैवल एक्सेसरीज हैं। आज आपको हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट nashermiles.com और सभी प्रोमिनेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में मिलेगी। हमारा रिविजन है कि हम अपने स्टाइलिश लगेज द्वारा इंडियन ट्रैवलर्स की फैशन क्वेश्चन को एलिवेट कर पाए, और इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आए आपके पास फॉर एन आस्क ऑफ 3 करोड़ रुपीस फॉर एन इक्विटी ऑफ 0.75% ऑफ आवर कंपनी। आवर ड्रीम इज टू चेंज हाउ इंडिया ट्रैवल्स। तो शार्क्स, अब सफर चाहे जितने माइल्स का हो, जरूरी है नेशनल माइल्स। थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए। ये मेरा बड़े यंगर ब्रदर है अभिषेक, इज माय फर्स्ट कजिन। अभिषेक इज सो फैमिली लोकेशन अभिषेक। या वी आर फर्स्ट कजिन। आप दोनों सिर्फ कलीग्स है कि घर पे हस्बैंड वाइफ, इन ऑफिस कलीग्स। अच्छा एक बात बताइए, कैसे आप एक दूसरे से मिले, कहा कि एक लगेज की कंपनी शुरू करते हैं? What was the conversation like? When we started, क्योंकि उस समय online नया था, brands को समझना चाहते थे कि online में बेचे कैसे, and that was the time where Amazon and Flipkart was just about setting the ground in the country. So we acted as aggregators. Got so it. We used to distribute a lot of products on Amazon, and Flipkart. Yeah. So you were like a super seller on Amazon. Super seller on Amazon. During this journey, हम लोग 3 साल में we were also distributors for VIP. हमें तब तक प्रोडक्ट्स को बेचना आ गया था। अब बात था कि लाइक अ नॉर्मल रिटेलर जैसे इवॉल्व करता है, वी थॉट कि हम लोग भी अपने खुद के प्राइवेट लेबल करें। उस समय की बात है, लगेज बहुत बड़ा कैटेगरी नहीं था ऑनलाइन में, तो कभी कभी होता है यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाती है। तो दैट इज हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। दैट्स स्मार्ट थिंग। वी रियलाइज दैट हमारा विजन था कि उसमें हमारा प्लेन या डिस्पर्स सही है, तो आपने ढूंढा कि लगेज कैटेगरी अच्छी है, फिर आप पीछे गए, आपने कहां से बनवाया? We started our journey from China. Achha. Around 80% of our entire production is from outside the country and 20% is India in terms of value. 3 साल में हमारा एकदम क्लियर कट विजन है कि इंडिया से हम लोग 50-60% बनाना चालू करेंगे। तो make in India is becoming a reality. It is a reality. It will happen. First lot आपका कौन सा साल में बना? 2017 अगस्त को हम लोग ने लॉन्च किया। Got it. We have always been a profitable company. Great. We are totally bootstrapped. We have not raised any equity in our company. Wow. The cap holding is divided between, he has 50%, I have 45%, and she has 5%. Our sales hamari, when we started FY 17-18, our sales was 2.18 crores. Second year, hume confidence mila. Hamara turnover 15.75 crores tha. Well done. Third year, our turnover was 22.73 crores. उसके बाद FY 2021 देयर वाज अ कोविड, बिकॉज ट्रैवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमारा डिप हो गया 12.5 करोड़ के। बट उसके बाद 21-22 में हमारा टर्नओवर था 23.7 करोड़। लास्ट ईयर 22-23 में वी क्लोज्ड अप बुक एट 52.9 करोड़। और मुझे आपको बताने बहुत खुशी, आज हम लोग खड़े हैं, हमारा टर्नओवर अभी 57 करोड़ की पहुंच गई है।
और कितना करोगे ये साल? तो 100 करोड़ करोगे? या एक्सपेक्टेशन इज टू हिट अराउंड 100 करोड़ फॉर अस। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस, लास्ट ईयर का एबिटा हमारा 12.4% था। इनसेन, अमेजिंग। आपने 6 करोड़ रुपया बनाया लास्ट ईयर। हाँ जी हाँ जी, समझ में आ रहा है कि एबिटा के नीचे भी कोई कॉस्ट है। भारी लोन ले रखा है आपने? लोन है, सो एबिटा वाज 12.4%, हमारा पैट वाज 6.8%। लोन कितना है आपका? रफली अराउंड 11 करोड़ का लोन है। 11 करोड़ का? 11 करोड़। कितना इंटरेस्ट भरते हो? 9-13% के बीच। अभी हम एक और कंपनी से मिले थे, असेंबली, और वो फंडेड है और उन्होंने भी इतनी अच्छी सेल नहीं करी। आप लोगों ने बिना फंडिंग के भी अच्छी सेल करी है, तो क्या सीक्रेट है? हमारा मेन डिफरेंशिएटर जो बिगनिंग से रहा है, हम स्टाइल और डिज़ाइन पे फोकस किए हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमें अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग मार्केट फिट हमने राइट किया और वी हैव स्टक टू इट। दूर से देख रहा हूँ ना तो आपके डिजाइन अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपसे मिलते जुलता हुआ आपका कपड़ा। ओह, इट्स मैचिंग। I have to comment on the product. Outstanding. Thank you so much. Thank you so much. Lovely branding, lovely product. अच्छा एक बात बताइए, that unit for example, उसका price mass market में कितना होगा? और उस हिसाब से आप बताते रहिए हर मार्केट में क्या प्राइस होगा, आपका कितना है और कौन सी ब्रांड है जो रिलेट करती है वो मार्केट। आप एकदम क्लियरली समझा, मास मार्केट में पॉपुलर ब्रांड है सफारी, सबसे बड़ा ब्रांड है। एरिस्टोक्रेट ब्रांड है, कमिलियन बोल के एक ब्रांड है जो अमेरिकन टूरिस्टर सैमसनाइट ग्रुप का ही है। ये 60% ऑफ द मार्केट में प्ले करते हैं। सो उनके कैबिन लगेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1499 टू अराउंड 1899। मीडियम लगेज चालू होते हैं 1899 से 2299 एंड लार्ज आपका 2799 तक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट बताइए ऊपर। मिड प्रीमियम ब्रांड वेयर ब्रांड्स लाइक अमेरिकन टूरिस्टर, स्काई बैग्स, वीआईपी, वी प्ले, असेंबली प्ले इन दैट असेंबली आपके सेगमेंट में लिटिल बिट हायर देन प्राइस, बट आप मिड प्रीमियम प्राइस पॉइंट में उनको मान सकते हो। अच्छा, आपका प्राइस उनसे भी कम है? हाँ, हमारा प्राइसिंग लेट्स से जो आप अमन रखे हैं 2700 से 3200 में आपको कैबिन बैग मिलेंगे अक्रॉस ऑल द फाइव रेंजेस। 2700 रुपए का है? 2700 टू 3200 का रेंज रहता है अक्रॉस ऑल डिजाइंस। मीडियम इज अराउंड 3200 टू 3700 एंड लार्ज हमारा 3700 टू 4200 में क्लोज हो जाता है। मुझे ये जानना है कि जब आप नेशनल माइल्स, असेंबली और मोकोबारा को कंपेयर करते हैं, आपका डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ टारगेट कस्टमर, एज ग्रुप, मार्केटिंग एज अ परसेंट टू सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन में आपका कोई डिफरेंशिएशन है? जो आपने मोकोबारा का नाम लिया, दे ऑपरेट इन अ 10% प्राइस पॉइंट वेयर ब्रांड्स लाइक सैमसनाइट, कार्लटन, दे प्ले, तो एक बहुत नीच मार्केट है। बट वी ऑपरेट इन द 30% मार्केट इज वेयर वी वुड लाइक टू ऑपरेट, दैट इज नंबर वन। इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आज तक अभी तक हम लोग ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है, सो 100% ऑफ आवर सेल्स कम्स थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, उसमें से 90-92% इज थ्रू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस और 10% हमारे खुद के वेबसाइट से। हाउएवर, इन द नेक्स्ट ईयर वी प्लान टू गो ऑफलाइन। हमारा टारगेट कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर्स है 25-34 इयर्स के एज ग्रुप में। यस यस। और आपका मार्केटिंग इज अ परसेंट ऑफ स्पेंड, और आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंटेंट क्या है कंपेयर्ड टू देम? वी हैव स्पेंड क्लोज टू 14% इन मार्केटिंग। प्रोडक्ट्स हमारे हीरो है, हम कलर्स और डिजाइन पे फोकस करते हैं। इस साल ही हमने एक ब्रांड एम्बेसडर साइन किया, ऋषभ पंत। ओह नाइस। ऑफलाइन तो आपकी स्किल है नहीं, जब आप ऑनलाइन मार्केट कैप आउट कर जाएंगे, आप ऑलरेडी शायद काफी जगह कुछ कहीं कहीं की नंबर वन होंगे कुछ कैटेगरीज में, 100%. तो जब आप कैप आउट कर जाएंगे तो ऑफलाइन कैसे सीखेंगे? सो हमारा ऑफलाइन का स्ट्रेटेजी ऐसा है, वी वांट टू ओपन 10 EBOs इन द कंट्री। EBO की कियोस्क? EBOs, exclusive brand outlets. क्योंकि वो लोग तो kiosk से बेचते हैं, अमेरिकन टूरिस्टर हैं, सैमसंग हैं। नहीं नहीं नहीं, 30 लाख का एक exclusive EBOs आप खोल सकते हो। कहाँ होंगे ये EBOs, location? क्योंकि अभी हम लोग ने अपना वेबसाइट से लास्ट 18 महीने से हम लोग बेच रहे हैं, अप्रैल से हम लोग ने ओवर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स वी हैव कैप्चर्ड द पिन कोड्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर वेयर वी हैव शिप्ड। ओके, तो हम लोग उसका कोहोर्ट बना चुके हैं। okay. और हमें रियलाइज हुआ है कि ये कोहोर्ट में इतना बिजनेस आना चाहिए, और अगर इसीलिए हम लोग आपके पास भी आए, अगर हम लोग एक EBO खोलते हैं तो हमारा पूरा यूनिट डायनेमिक्स मॉल्स में होंगे। नहीं, मॉल्स में नहीं करेंगे, हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, बिकॉज़ मॉल्स में नाइट एंड ऑल तो 2 लाख के कियोस्क खोलते हैं क्योंकि वो इतना हाई ट्रैफिक होता है एंड वहीं पे बिकता है। विनीता, द आइडिया इज हम EBOs तो खोलेंगे हाई स्ट्रीट में और फिर हम मॉल्स में वो कियोस्क लगाना चाहते हैं। तो दोनों, यू आर गोना डू बोथ? यस। आज के दिन भी जैसे बड़े-बड़े दिग्गज, दे आर स्प्रेड अक्रॉस 800,000 स्टोर्स,
तो हमारा थॉट प्रोसेस है, वी विल गो टू रिटेल स्टोर्स, वी विल हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड हम लोग चाहते हैं ये पूरा साइकिल कैसे पूरा हो। तो फाइनल धंधा जीडी से आएगा। अराउंड 68% ऑफ आवर बिजनेस इन FY28 विल बी थ्रू ऑनलाइन, 32% ऑफ आवर बिजनेस विल बी थ्रू ऑफलाइन। ऑफलाइन में अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, ऑफलाइन में रफली अराउंड 17% हम लोग ने जीटी में प्लान किया है, 5-6% हमारे EBOs में आएंगे, 5-6% हमारे मॉडर्न ट्रेड में आएंगे, और 6% का ये 2028 की बात कर रहे हैं। मतलब अभी आपने कोई भारी डेक बनाया है इन्वेस्टर्स के लिए। करेक्ट, 100%। एक क्लैरिफाई कीजिए, एवरीबॉडी, सारे लगेज वाले लाइफ टाइम वारंटी की बात करते हैं, भाई इसका मतलब क्या होता है? मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, बैग वापस ले लेते हो? जो विनीता जो बैग ली है ना, इज मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन बैग, ओके, ये कभी क्रैक नहीं होगा, और हो गई तो आप रिप्लेस करें। हाँ, सो करेक्ट, सो अगर हो गई, इट विल नॉट क्रैश, लाइक आई सेड, इट विल नॉट क्रैक। अरे भाई, क्रैक्ड भाई, क्या कर रहे हो अनुपम? नहीं यार, करना तो पड़ेगा, पर वो वापस जुट भी जा रही है। ओके, अच्छा, दैट्स द, तो इसमें आप बोल रहे हो अगर क्रैक हो गया तो आप हम लोग आपको रिप्लेस कर देंगे पूरा बैग, नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी। आई एम गोना नेम 4 or 5 ब्रांड्स। हाँ जी, आप डिजाइन और एस्थेटिक्स पे उनको रेट कीजिए आउट ऑफ 10। डन। मोकोबारा 9, असेंबली 6, एंड सैमसोनाइट 10, ओह नेशन माइल्स 11। That is a good one. Good one. ये 100 crore में से कितना निकाल लोगे आप? हम लोग निकालते नहीं है, we never take out money. कमाते हैं वही, because वापस डालना पड़ता है, we draw salaries from our company. How much salary do you take? 7 lakh I draw, 7 lakh he draws, and around 5.75 Shruti draws every year. These are fixed salary. Month. आप 7-7 और 5 lakh, 7 lakh की बात कर, 7 lakhs. पर मंथ, ये पर मंथ अनुपम, और ये साउथ बॉम्बे में रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को 20 साल हो गए कंपनीज बनाते हुए बेचते हुए, आज भी मैं आप जितनी सैलरी लेता हूँ, आप 7 lakh की सैलरी ले रहे हैं। 7 lakh सैलरी, 7 lakh पर मंथ, per month, और उसके बाद end of the year we take around 1 month bonus, and you take 1 month bonus. Yeah, we take 1 to 2 months depending on performance. Good job guys, good job. Crazy. अपने assembly के bikes देखे हैं आज? हाँ जी देखे। आपको क्या लगता है उनके बारे में? That they are doing a fabulous job. हम लोग तो बहुत खुशी है कि काफी नए नए ब्रांड आ रहे हैं, क्यों 3 लेगेसी ब्रांड पूरा मार्केट को ऑक्यूपाई करे? जैसे जैसे लोग आएंगे, ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड्स आएंगे, पूरा भारत ग्रो करेगा, सबको मेहनत मिलेगी, एंड दैट इज हाउ इट इज। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नटशेल में बोलता हूँ, कैश इज किंग। शायद हम लोग पॉजिटिव है, मुझे लगता है दे आर बर्निंग मनी, तो आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कैश इज किंग। आई थिंक दैट इज समथिंग वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। आखिरी 10 सेकंड, आप क्या कहना चाहेंगे हमें करने? साथ में जुड़िए, दोनों मिलकर कमाएंगे। अरे वाह, क्या मिलकर कमाएंगे। 5 सेकंड में हम लोगों ने क्लोज कर दिया। नेशनल माइल्स एक न्यू एज लगेज ब्रांड है जो स्टाइल, वैरायटी और फैशन का वादा करता है। हम आ जाएं आपके पास फॉर एन आस्क ऑफ 3 crore rupees फॉर एन इक्विटी ऑफ 0.75% ऑफ आवर कंपनी। 2700 से 3200 में आपको कैबिन बैग मिलेंगी अक्रॉस ऑल द 2700 रुपए का। हमारा टर्नओवर अभी 57 crore की पहुंच गई है। एक्सपेक्टेशन इज टू हिट अराउंड 100 crores फॉर अस। वी आर टोटली बूटस्ट्रैप, वी हैव नॉट रेज्ड एनी इक्विटी इन आवर कंपनी। देखिए, सीधी सारी डील है यार, अल्टीमेटली आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, राइट? आप जितना धंधा बनाते हो हर महीने का, उसका 3x आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। आपका जो वैल्यूएशन है 400 crore का, वो हमारे लिए बैठेगा नहीं है, शार्क टैंक है, वी आर नॉट पी इन्वेस्टर्स। पी इन्वेस्टर कर रहा है 400 crore। अगर हमको आपके साथ जुड़ना है, आपको हम चाहते हो, तो एक विन विन निकालना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट दिस वे और दैट वे, देयर इज ऑलवेज अ थर्ड वे। करेक्ट। तो थर्ड वे ऐसा है कि आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। 100%। हम कहते हैं आप 3 crore ले लीजिए फॉर 1%, वी 4 विल गेट 0.25% ईच, और आप साथ में हमें रॉयल्टी दे दीजिए, आप प्रॉफिटेबल तो है ही, ऑफ 1% ऑफ योर सेल्स अंटिल वी मेक 3 crores बैक। ओके, थैंक यू। तो इट्स अ फेयर डील एंड इट्स द थर्ड वे। क्या हम लोग अमन का ऑफर सुन सकते हैं? शख्स अमन, तो ऑफर मैं दे देता हूँ, बोलिए। अकेला ही करूंगा मैं, अकेला चलो रे। 1 crore आई कैन गिव यू फॉर 1%। ओके, एंड रेस्ट आई कैन गिव यू डेट at 10% for 2 years. 100 crore valuation. Aman, thank you so much for the offer, but 100 crore, it is too less for us. I think we would like to gracefully not accept the offer.
बट हाउएवर वी वुड लाइक कि अगर आप इनसे मिलजुल के अगर सब साथ में अगर आना चाहे। लोकेश, अगर हम साथ आए और फाइव शार्क डील किया तो आप रॉयल्टी देंगे? 300 crore valuation, but royalty is non-negotiable and you get Aman. जिस स्टेज में हम लोग आ गए हैं, हमें लगता है कि royalty for us is as good as paying interest, which we are already doing it. आप debt और equity ले लो, we are very open to it. Okay, but royalty is something. Right now we are little uncomfortable. I'm not sure I want to be part. तो क्या है अगर नमिता हम लोग अगर royalty हटाते हैं? तो हम लोग सुनना चाहते हैं कि क्या ऑफर है हमारे लिए, क्या डेट इंटरेस्ट क्या दोगे आपको? इफ 11% वर्क्स आउट, वी आर ओके विद 11%, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बात कर लेता हूं। ये अभी खिचड़ी क्या पका रहे हैं मेरे को पता नहीं है, बट लेट्स गो आउट। इफ वी गो आउट वी कैन नॉट कम बैक, प्लीज। Let hear the final offer. एक गुना वापस आएगा। And Aman is giving you the offer. जी। अब आपको हम पांचों का डील करना पड़ेगा। Otherwise it is a take it or leave it. हमारा अभी combined offer है पांचों का, वो हम आपको 3 crore देंगे at 200 crore valuation plus royalty we will take at 1% until we get our 3 crores back. What do you think, guys? क्या करना है? Decision time. Lokesh doesn't look happy at all. We understand कि आप लोग क्या value लाओगे एक साथ। हमारा आज था 400 करोड़, आपने 300 करोड़ किया, और उसके बाद अभी 200 करोड़ का offer आया। If we can come at a 250 करोड़ valuation, over optimize मत कर छोटी चीज के लिए। पांच शख्स जब तेरे साथ आएंगे ना, मैं जानता हूँ अमन। देखो देखो एक बात आपने सुनी, you know what is a good deal? थोड़ा दर्द होना चाहिए। आप 300 से आपने 200 बोला, मैं बोल रहा हूँ मिडवे आते हैं 225 पे क्लोज करें। 225 का हैट हटा और थोड़ा ब्रांड और थोड़ा वैल्यूएशन, थोड़ा इन्वेस्टर, थोड़ा स्ट्रक्चर कंपनी बनाने की कोशिश कर, इतनी छोटी चीज मत कर। चलो शार्क्स, ऑल शार्क डील, लेट्स डू इट। थैंक यू, गुड डील, एंड लुक एट दीस लवली थिंग्स। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल।